गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट स्पीड विद डायरेक्शन. इट इज़ आल्सो नॉन एज ए वेलोसिटी. द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड. यदि हम स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन भी अगर बता दें तो इट इज़ गुड फॉर the condition and we will identify easily location of object. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. यानी कि speed के साथ यदि direction है, जैसे for example a car move 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर कार की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी मिल गई. तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी क्या है, डेफिनेट है, आपको डायरेक्शन मालूम होता है. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और अ वेरिएबल. वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म है. इट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. वेलोसिटी स्पीड यदि चेंज करेंगे हम तो भी बदल सकती है वेलोसिटी. यदि हम डायरेक्शन चेंज करें, स्पीड को कांस्टेंट कर दें और डायरेक्शन को चेंज करें, तब भी हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. ये दोनों को हम चेंज करें तब भी हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी. यदि हम वेरिएबल स्पीड के साथ साथ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ चलें तो जो मोशन है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी. इट इज़ ए कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. जैसे हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी को करते हैं. तो इन केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू. मैथमेटिकली वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है, यू, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ वी, तो यहाँ डिवाइड बाई टू. वेयर एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज इन इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट. इन दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर पर सेकेंड. एक्टिविटीज 9.6 मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल. इफ यू कंसिडर दैट your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop or a school from your house. तो यहाँ से आपको estimate करना है आपके school का आपके घर से distance क्या है. तो हम इसी को ही निकाल सकते हैं. आपको ये पता है कि इसको consideration 4 किलोमीटर पर आर के हिसाब से स्पीड है, ठीक है. तो यहाँ देखिए बच्चों,
at a time when it is a cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. बच्चों एक्टिविटीज़ में बंदा आपने देखा होगा जब रेनी सीजन में जब बिजली चमकती है तो हमें बिजली पहले दिखाई देती है और उससे आने वाली जो आवाज़ है जो साउंड है वो देर में आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वनस्पत साउंड के, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है 3 to 10 to 8 मीटर पर सेकेंड, और ठीक साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो इस वजह से हमें लाइट पहले दिखाई देती है वनस्पति साउंड के। कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन, ठीक है। मेजर द टाइम इंटरवल यूजिंग ए डिजिटल रिस्ट वॉच और ए स्टॉप वॉच। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स आपको इसमें दिए हुए हैं एक्टिविटीज में, एक बार खुद आप करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जांपल के अंदर, वो आप पहले अपने लेवल पर बिना सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन ही देखना, उसको करना है। करने के बाद यदि अगर ये इजी भी हो जाता है तो ठीक, वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।